जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 का संपूर्ण सार करेंगे। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग और इसमें 43 श्लोक है। अर्जुन उवाच, जया यसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपके अनुसार बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस युद्ध जैसे कठिन और हिंसक कर्म में क्यों धकेल रहे हो। वया मिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहरसि मे यदे एकम वद निश्चित येन श्रेयो मापयाम। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, आपके मिश्रित वचनों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया निश्चित रूप से मुझे एक वह मार्ग बताए जिसके द्वारा मैं अपने कल्याण को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता महानगर ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मैंने पहले दो प्रकार के मार्गों का वर्णन किया था, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। यहाँ ज्ञान योग का मतलब उन लोगों के लिए है जो तत्व ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। कर्म योग का अर्थ यह उन लोगों के लिए जो अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव अर्थात फल की इच्छा के बिना करते हैं। दोनों ही मार्ग योगी के लिए मोक्ष का साधन है और व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार इनमें से किसी एक मार्ग को चुन सकता है। न कर्मणा मनारम भानेस कम्य पुरुषो सनुते न च संय सनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। यह श्लोक धर्म कर्म और संन्यास के संबंध को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति केवल कर्म न करने से ही मोक्ष या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म से भागना समाधान नहीं है। इसी प्रकार केवल संन्यास लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए जरूरी है व्यक्ति अपने कर्मों को सही भावना और समझ के साथ निभाए। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते है वस्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणी है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीव प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य ही कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। अर्थात मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक क्रियाएँ भी इसमें शामिल हैं। कर्मे इंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा समरण इंद्रियों अर्था अन्वी मूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों यानी कर्म करने वाले अंगों को रोकता है लेकिन फिर भी मन से इंद्रियों के विषय को समरण करता है, वह एक प्रकार से भ्रमित होता है और उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति बाहर से तो त्याग दिखाता है परंतु भीतर से उसकी इच्छाएं अब भी सक्रिय रहती है। मिथ्याचारी का अर्थ है पाखंडी, अर्थात कोई व्यक्ति कहे कि उसने भौतिक सुखों को त्याग दिया है लेकिन वह मन में बार बार उन्हीं चीजों को सोचता रहता है तो उसका त्याग सिर्फ दिखावा है। यस्ति तव इंद्रियाणि मनसा नियमार बते अर्जुन कर्मे इंद्रिये कर्म योगम सक्त स विशिष्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्म योग के महत्व को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन के द्वारा नियंत्रण में रखता है और अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी लगाव के करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। नियतम कुरु कर्म तवम कर्म जीवायो हय कर्मणा शरीर यात्रा अपि चते न प्रसिद्धयेत कर्मणा। अर्थात अपने नियम कर्म को करो क्योंकि कर्म न करने की तुलना में कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म किए बिना तो तुम्हारे शरीर यात्रा भी पूरी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महत्ता बताते हुए समझाते हैं कि कर्म से बचना अर्थात कर्म न करना उचित नहीं है। यज्ञ अर्थात कर्मणो अनत्तर लोको अयम कर्म तद अर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात कर्तव्य और भक्ति के लिए किए गए कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म
इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तू स्वार्थ से दूर रहकर उस यज्ञ के लिए कर्म कर। यहाँ यज्ञ के लिए कर्म का अर्थ है जब हम अपना कर्म बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के लिए करते हैं, तब वह कर्म यज्ञ का रूप ले लेता है। यज्ञ अर्थात पवित्र उद्देश्य। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेत पश्य धवमेश वो अस्तित्व अष्ट का दुक। सृष्टि की शुरुआत, शुरुआत में प्रजापति यानी ब्रह्मा ने यज्ञों के साथ जीवों की रचना की और कहा कि इसके द्वारा तुम समृद्ध हो जाओ और यह यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा। यहाँ यज्ञ का अर्थ है वह कर्म जो समाज और ईश्वर को प्रति कर्तव्य के रूप में किए जाते हैं, अर्थात हमें अपने कर्तव्य को एक यज्ञ के रूप में बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर और समाज की सेवा के रूप में करना चाहिए। देवान भाव्य तानेन ते देवा भावेन्तु वह परस्परम भावंतः श्रेय परम वापस तयत। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने यज्ञों के द्वारा देवताओं का पोषण करना चाहिए और बदले में देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। जब तुम एक दूसरे का सहारा बनोगे और एक दूसरे का सहयोग दोगे तो तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। या देवता का मतलब है प्रकृति, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों से प्रकृति और समाज की सेवा करनी चाहिए। जब हम अपना कर्तव्य जिम्मेदारियों को के साथ सही तरीके से निभाते और ध्यान रखते हैं, प्रकृति तथा समाज का ध्यान रखते हैं, तो बदले में प्रकृति और समाज भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इष्टान भोगा नहीं वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावे तैयर दतान प्रदाय भयो यो भुगन्ते स्तेने उस। श्री कृष्ण कहते हैं देवता यज्ञ के द्वारा प्रेरित होकर तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, परंतु जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए इन भोगों को बिना यज्ञ या दूसरों को अर्पण किए ही भोगता है वह चोर के समान है। अर्थात संसार में जो भी भोग विलास और सुख में प्राप्त होता है वे सब किसी न किसी रूप में ईश्वर या प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। जब हम कर्म करते हैं और अपने संसाधनों का एक हिस्सा समाज और दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करते हैं तभी वे सारे भोग विलास हमारे लिए फलदायी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वार्थी होकर इन भोगों का उपभोग करता है बिना किसी परोपकार की भावना के, उसे श्री कृष्ण एक प्रकार से चोर मानते हैं। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यते ते तव्यम पापाई पचंत्या तम कारणात। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग यज्ञ के बाद अर्थात अर्पण या त्याग के बाद शेष बचे हुए अन्न को ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते हैं और खाते हैं वे वास्तव में पाप को ग्रहण करते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह इशारा करता है कि हमें अपने कार्यों का फल पहले ईश्वर समाज और दूसरों को समर्पित करना चाहिए। जब कर्मों के फल का अर्पण करते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं तो हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। परंतु जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं और अपने लाभ के लिए जीते हैं वे पाप के बंधनों में बंध जाते हैं। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्या धन संभवा यज्ञात भवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अर्थात सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा के कारण उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ अर्थात त्याग और कर्म के माध्यम से होती है। यज्ञ का आधार कर्म से होता है, अर्थात प्रकृति और मानव के बीच एक गहरा संबंध है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है तो यह कार्य यज्ञ का रूप ले लेता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है त्याग। यज्ञ से प्रकृति में संतुलन रहता है जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन का आधार है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि वर्मा अक्षरा समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। अर्थात सभी कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, वेद जीवन के सभी कर्मों को सही तरीकों से बताते हैं, वेद स्वयं अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। अक्षर ब्रह्मा का अर्थ है वह ऐन स्वर तत्व जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। ब्रह्मा यज्ञ में नित्य रूप से स्थापित रहता है। अर्थात जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और समाज के लाभ के लिए करते तब हम ब्रह्मा को सम्मानित करते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। एवं परवर्तितम
चक्रम नानु वर्तायति यह अघायोरी इंद्रिया रामो मोघम काल से जीवति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में प्रकृति के चक्कर का अनुसरण नहीं करता, जो पापी और इंद्रिय सुखों में रमण या भोगने वाला होता है, वह व्यर्थ में जीता था। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म के मार्ग को नहीं मानता और केवल इंद्रिय सुखों में लिप्त रहता है, वह न केवल पाप करता है बल्कि एक दुखी और व्यर्थ जीवन जीता। अर्थात हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन जीना चाहिए। यस्तव आत्मा रति रेव सयाद यात्मा तत्च मानी वाह आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विज्ञते। जो व्यक्ति आत्म संतोषी है, जिसे स्वयं में आनंद मिलता है, जो स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को अपने भीतर ही आनंद मिलता है और उस पर बाहरी चीजों का असर नहीं होता। नहीं तस्य कृते न अर्थो ना कर तेने काश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापा आश्रिय। उसके लिए कुछ करने से कोई लाभ नहीं और न ही कुछ न करने से कोई हानि है। उसके लिए सभी जीवों पर किसी भी प्रकार की निर्भरता नहीं होती। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण संतोष की स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने या न करने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति का जीवन बाहरी परिणामों और अन्य जीवों की अपेक्षाओं से परे होता है। तस्मात् आसक्तास्ततम कार्यम कर्म संसारम आसक्तो आयचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों को निष्ठ और समर्पण के साथ करें, लेकिन कर्मों के परिणाम की इच्छा के बिना, कर्मों का परिणाम की इच्छा के बगैर करने से व्यक्ति परम फल को प्राप्त करता है। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जनक और अन्य ज्ञानी लोग कर्म के माध्यम से इस सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं, तो मैं भी सार्वजनिक भलाई के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यों को अपने स्वार्थ के बिना किया बल्कि समाज की भलाई के लिए किया। हमने अपने कार्यों को अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और ब्रह्मांड की भलाई के लिए करना चाहिए। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तद एवे तारो जिन स यद प्रमाणम कुरुते लोक सदत अनुवर्तते। अर्थात जो कुछ भी श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह जिस भी मापदंड को स्थापित करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। अर्थात समाज के नेता, गुरु या किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले व्यक्ति जो आचरण करते हैं, लोग उसी का पालन करते हैं। वह आदमी या श्रेष्ठ पुरुष अपने कार्यों का जो उदाहरण प्रस्तुत करेगा, समाज उसी के आदर्शों पर चलने लगता है। न मैं पार्षदी कर्तव्यम त्रिषु लोकेशु किंचन नानवा आप्तम अवाप्तव्यम वर्ता एव च कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों के बारे में अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं, पार्थ तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, मुझे कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं और न ही मुझे कुछ पाना है, फिर भी मैं कर्म में लीन रहता हूँ। वे सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्म करते हैं, तो मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म से कभी भी विमुख नहीं हुआ जा सकता, भले ही व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों न हो। यदि अयम न वर्तेयम जातु कर्म न अतीन्द्रिय मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वस। यदि मैं किसी भी कर्म में तत्पर नहीं रहता तो हे अर्जुन सभी मनुष्य मेरे मार्ग पर चलने लगेंगे। अर्थात यदि श्री कृष्ण स्वयं कर्म न करें तो अन्य लोग भी कर्म करना बंद कर देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा है और सभी उन्हीं के प्रेरक हैं। उनके कार्यों का सभी जीवों पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात सभी जीव अपना कार्य बंद कर देंगे। उत्सी दे रुमो लोका न कुरियाम कर्म चेदम संकरस्य च कर्ता स्वयं उपायनस्य इमा प्रजा। यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, मैं विनाशकारी अवस्था का कारण बन जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्रजा को नष्ट कर दूंगा। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाएगी और सभी जीवों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। सक्ता कर्मण विद्वामसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वामस तथा सक्ता चिकित्सूर लोका संग्रह।
हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी लोग फल की इच्छा लेकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष फल की इच्छा के बिना लोक कल्याण के लिए कर्म करें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के दो अलग अलग दृष्टिकोण समझाए हैं। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा के साथ, अर्थात उनके कर्म निजी लाभ या स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर ज्ञानी जो कि बिना किसी इच्छा के कर्म करते हैं, उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि वे समाज के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। न बुद्धि वेदम जनयेद अज्ञानं कर्मा जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति को अज्ञानी लोगों के मन और बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जो लोग अज्ञान में हैं और अपने अपने कर्मों में लीन हैं, उनके सामने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे वे भ्रमित हो जाएं और कर्म से विमुख हो जाएं। पर करते क्रियम ज्ञानी कुने कर्मणि सर्वसह अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्तम हिति मन्यते। श्री कृष्ण कर्म प्रकृति और अहंकार के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए कहते हैं, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रजस और तमस। तो प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म स्वतः ही होते रहते हैं, लेकिन अहंकार में भ्रमित हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। अर्थात हमें अपने कर्मों के फल का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति यही समझ सकता है कि कर्म का असली कर्ता प्रकृति के गुण है। यहाँ प्रकृति के तीन गुणों की चर्चा की गई है, सत्व रजस और तमस। इन गुणों के थोड़ा जान लेते हैं। पवित्र सत्व गुण का अर्थ है पवित्रता तथा ज्ञान। सत्व अर्थात अच्छे कर्मों की ओर मोड़ने वाला गुण। तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सात्विक व्यक्ति मेहनती सच्चा और साहसी होता है। रजस क्रिया तथा इच्छाएं। रजसी राजसिक व्यक्ति स्वयं के लाभ और कार्य से भी हेतु जीता है। रजोगुण से व्यक्ति फल की इच्छा से कार्य करता है और मन में चंचलता बनी रहती है। तमस अज्ञानता तथा निष्क्रियता। तामसिक मनुष्य दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। इस गुण के कारण व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में बंद जाता है। तत्वावित महाभावो गुणाकर्मा व्याज्ञो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्यते। जो वास्तविक सत्य को जानने वाला व्यक्ति है वही समझता है कि सारा संसार प्राकृतिक तीनों गुणों सत्व रजस और तमस के आधार पर चलता है। इन गुणों पर ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्म निर्धारित होता है। अर्थात वह व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें बंधा हुआ महसूस नहीं करता। वह अपने आप को कर्म से अलग मानता है और यह समझता है यह सब प्रकृति के गुणों का खेल है जिससे उसकी आत्मा प्रभावित नहीं होती। वह अपना कर्म निष्काम भाव से करता है। प्रकृतेर गुणा समुदा सजन्ते गुणा कर्मस तान आकर्षना विदो मदान कर्षना विनना विचालिये। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि लोग प्रकृति के गुणों से भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। वे गुणों के प्रभाव में होते हैं और कर्मों से बंधे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को जानता है वह समझता है कि आत्मा इन गुणों से परे है। उसे चाहिए वह इन अज्ञानी लोगों को जो गुणों से प्रभावित है विचलित न करे या उन्हें भटका न दे। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को उन लोगों की स्थिति को समझना चाहिए और उन्हें प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास यादे ताम चेतस निराशिर निर्मामो बुद्धवा युद्धस्व विगत जवरह। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सभी क्रियाओं को भगवान के प्रति समर्पित करके आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो। आशा और अहंकार से होकर युद्ध करो और मानसिक तनाव से मुक्त रहो। कर्म करते समय भगवान के प्रति समर्पण और आध्यात्मिकता का ध्यान बनाए रखें। साथ ही कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार से आजाद होकर कार्य करें। ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म विव। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि जो मनुष्य उनके इस मत का पालन करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ और बिना किसी द्वेष के, वे कर्मों
कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जो लोग उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करते, वे धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निष्काम भाव से कार्य करते रहते हैं। ये तवे तथा भैसुयंतो नानु तिष्ठन्ति मे मातम सर्व ज्ञान विमूढ़ाश्रम तान वेदिनाष्टान चेतसः। लेकिन जो लोग ईर्ष्या और द्वेष के कारण मेरे इस मत का पालन नहीं करते, वे अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, तुम उन्हें नष्ट और विवेकहीन समझो। अर्थात ईर्ष्या द्वेष और अहंकार जैसे नकारात्मक भावनाएं आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग इनसे ग्रस्त हैं वे न केवल भगवद गीता के ज्ञान को अस्वीकार करते हैं बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य भी खो देते हैं। सदृश्यम चेष्टते स्वासेह प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, रोकथाम करने से क्या लाभ। अर्थात हर व्यक्ति को की अपनी प्रकृति होती है जो उसके पिछले कर्मों संस्कारों और विचारों से बनी होती है। इसे हम मनुष्य की प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति के अनुसार ही व्यक्ति के व्यवहार इच्छाएं और कर्म होते हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रकृति को जबरन रोकने या दबाने से कोई लाभ नहीं होता। इंद्रियस्य इंद्रिया स्यार्थे अंग द्वे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर नवंसम आगच्छेत ततो हायस्य परिपंथिनो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति मनुष्य के स्वभाव को समझाते हुए कहते हैं कि हर इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं और इन विषयों के प्रति राग और द्वेष स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनके प्रभाव में आने से हमारा मन अस्थिर हो जाता है। इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाध्य होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। अर्थात हमारा शरीर नश्वर है बल्कि हमारी आत्मा हमारा जो ईश्वर का अंश है। श्रेय यान स्व धर्मो विगुण परम धर्मात् स्व अनुष्ठित स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वधर्म को निभाना चाहिए भले ही उसमें कुछ दोष हो। स्वधर्म में मृत्यु होना बेहतर है पर धर्म दूसरों का धर्म बहुत ही डरावना और खतरनाक है। यहाँ स्वधर्म का अर्थ है हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए जो उसके स्वभाव स्थिति और जीवन के उद्देश्य के अनुसार निर्धारित होते हैं। स्वधर्म निभाते समय यदि कोई गलती करता है तो वह अधिक श्रेष्ठ है या अच्छा है क्योंकि वह व्यक्ति अपनी प्रकृति और कर्तव्यों के अनुसार होता है। पर धर्म दूसरों का धर्म अर्थात दूसरों के कर्तव्य या जिम्मेदारियों का पालन करना या उन लोगों के धर्म को अपनाना या उनकी तरह कार्य करना हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धर्म का पालन भले ही सही ढंग से किया जाए अधिक खतरनाक और भयावह हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव के बिल्कुल विपरीत होता है। स्वधर्म में मृत्यु का क्या अर्थ है? स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु प्राप्त करना अधिक उचित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने धर्म की राह पर चलते हुए किसी भी परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। परम धर्म का भयावह होना इसका अर्थ है अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म को अपनाता है और उसमें असफल होता है तो यह उसके मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट का कारण बन जाता जो कि बहुत ही डरावना होता है। अथ केन परियुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न अपि वार्षणया बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण इस संसार में मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप करता है? चाहे वह उसे नहीं करना चाहता फिर भी वह बलपूर्वक उसे प्रेरित कर दिया जाता है। अर्थात मनुष्य के भीतर ऐसा कौन सा कारण या शक्ति है जो उसे पाप या धर्म के कार्यों की तरफ प्रेरित करती है भले ही वह जानता है कि वह गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन का यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में उठता है क्योंकि हम कई बार जानते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं फिर भी हम वह गलत काम कर बैठते हैं। यह मजबूरी किस वजह से आती है? यह कोई मानसिक कमजोरी है या इंद्रियों का दोष है जो हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है? श्री भगवान वाच्य काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव।
महासनो महापापम विधेय एनम वरिनम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह काम इच्छा और क्रोध ही है जो रजोगुण अर्थात अशांति और असंतोष से उत्पन्न होते हैं। यह दोनों बहुत ही लालची और अत्यंत पाप करने वाले हैं। इन्हें इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। रजोगुण मनुष्य के भीतर इच्छाओं और असंतोष की भावना को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी तरह नहीं कर पाता और क्रोध उत्पन्न होने लगता है और यह क्रोध व्यक्ति को अधर्म के मार्ग की तरफ ले जाता है। दुमेना वर्यते वाहनीर यथा दर्शो मलेंच यतो लभे नावृत गर्भस्थ तथा तेने दम आवृतम। जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, जैसे दर्पण मैल से ढका होता है, जैसे गर्भ भ्रूण से ढका होता है, उसी प्रकार यह ज्ञान इच्छा से ढका है। अर्थात जब तक इच्छाओं का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर रहेगा तब तक हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कठिन है। आवर्तम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नितम वैरिणा काम रूपेण कौनते है दुष्पूर्णा नलेन च। हे अर्जुन, इस काम रूपी शत्रु ने ज्ञानी के ज्ञान को ढक रखा है जो कभी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान है। अर्थात जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करता तब तक उसका ज्ञान ढका रहता है जो व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान से दूर ले जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोहते ज्ञानम आवृतम देहिनम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिया मन और बुद्धि काम यानी इच्छा का निवास स्थान है। इन तीनों के माध्यम से काम हमारे भीतर प्रवेश करता है और हमें भौतिक सुखों की ओर खींचता है। अर्थात जब इंद्रिया मन और बुद्धि काम के प्रभाव में आ जाती है तब व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे दौड़ता है। इस कारण उसे अपने जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तस्मात् तवम इंद्रियाण ये दो नियमापार्थ सभा पाप मानव कर जयी है ज्ञान विज्ञानम संनाशनम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों पर नियंत्रण करने की सलाह दे रहे हैं। हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, फिर उस पाप पूर्ण इच्छा का नाश करो जो ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाली है। अर्थात इच्छाएं तब उत्पन्न होती हैं जब हमारी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित होती हैं। जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं या इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तब हम इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक विकास में विकास होता है। इंद्रियाणि वर्णाय हयोर इंद्रिय भय परम मन मन स्तु पर बुद्धिर्यो बुद्धे पर स्तुष्य। इंद्रियों को विषय से श्रेष्ठ कहा गया है। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग बुद्धि से परे हैं वह आत्मा है। अर्थात इंद्रियां जैसे नाक कान हमारे भौतिक विषयों के अनुभव का माध्यम है, लेकिन इंद्रियों से भी ऊपर मन है जो हमारी इच्छाओं और भावनाओं को संचालित करता है। मन से भी ऊपर शक्तिशाली बुद्धि है जो सही गलत का निर्णय करती है, लेकिन इन सबसे भी श्रेष्ठ आत्मा है जो बुद्धि का भी स्रोत है। आत्मा को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना ही वास्तविकता है। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा न समस्ता भयात् मनम आत्मना जहि स्त्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानो और आत्मा द्वारा अपने मन को स्थिर करो। उस काम रूपी शत्रु का नाश करो जो अत्यंत कठिन है। इच्छाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इन्हें जीतने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि वे हमारी बुद्धि को भी भ्रमित कर देती है, जिससे व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर मुझे इस अध्याय में उच्चारण में या समझाने में कोई गलती हो गई हो श्लोककार समझाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।